क्या चल रहा है? तो यार आज की हमारी जो वीडियो है वो इस गरीब के दुश्मन अमेज़न का दल्ला जाहिल उर्फ शाहिद अनवर और साथ ही साथ मुफ्ती तारिक मसूद साहब के भी ऊपर होने वाली है, क्योंकि इन दोनों को दोबारा से कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है। एक महीने पहले भी इन दोनों का कंट्रोवर्सी चल रहा था, इस पर अपन ने वीडियो नहीं बनाई थी, मगर क्यों, लेकिन इस बार बनाऊंगा। यार व्यूज हमें भी चाहिए, और यार इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार पिछले बार की तरह मुफ्ती साहब ने इस बार भी इस शाहिद अनवर पर पहले वीडियो बनाई है, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ अपने बयान पर इसकी वीडियो का जिक्र किया था, ना कि इस पर टोटली वीडियो बनाई थी। मुझे तारीख नजर आ रहा है, मैं 24 साल का हो गया, उधर कारोबार में पैसा लगाया, वो भी डूब गया। उसने बहुत सारी जगहों पे अपा से पैसा लिया, महल्ले वालों से पैसा लेके कर्जे लेके तो जगहों पे इन्वेस्ट किया, लेकिन कोई आउटपुट उसका नहीं निकला। और वो उसकी शाहिद अनवर की तकरीरें भी सुनी होगी, उसने गरीब आदमी पीछे बेगैरत होता है, नतीजा देख लिया आप लोगों ने। इसने तो बेचारे ने स्ट्रगल हर तरह से करके देख ली। उसके वालिद ने मुझे बताया 4-5 साल से ना वो पैसे की तलाश में था कि मैं अपना कोई बिजनेस करूं। लेकिन ये शाहिद अनवर भी मेरी तरह व्यूज का भुक्का है, भुक्का। साहब का खारिश फिर से बढ़ गया है। अबे खारिश मुफ्ती साहब के अंदर नहीं बल्कि तेरे अंदर है, जब तो मुफ्ती साहब के हर खारिश मिटाने वाले बयान का जवाब तू फौरन से दे देता है। और मुफ्ती साहब ने गलती से भी अपने बयान में तेरा जिक्र कर लिया ना, तो तू उस पर भी वीडियो बना देगा। बात तो सही है, शाहिद अनवर का अटेंशन लेने की है। इंटरनेट पे वाहिद बंदा हूँ, टिकटॉक पे कितने गो खुदते भोंगते हैं, राइट? जब मेरा पिक्चर लगा देते हैं मिलियन व्यूज, खुदा कसम 5-6 मिलियन व्यूज उनकी वीडियोस पे मिलते हैं, कुछ भी व्यूज लेना चाहते हैं। और मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये अपने आप को इतना बड़ा तीस मारखा क्यों समझता है कि इसके पिक लगा देने से इतने व्यूज आएंगे, इस पर वीडियो बना देने से इतने व्यूज आएंगे। चल मैं ये वीडियो तेरे ऊपर बना रहा हूँ, देखते हैं कितने व्यूज आएंगे। मुझे तो लगता है सारी वीडियो से खराब परफॉर्मेंस इस वीडियो की होगी। खुदकुशी बेगैरत बहुत लोग करते हैं जो सारे गरीब हैं। अच्छा भाई, खुदकुशी गरीब लोग करते हैं? अगर खुदकुशी गरीब लोग करते हैं तो तू अभी जिंदा क्यों है? गजब बेइज्जती है। कि तू भी तो पहले गरीब ही था, तो आसमान से अमीर नहीं उतरा। बात सही है। DWAC ट्रंप के स्टॉक में मैंने एक दिन में $370,000 का नुकसान किया, मैं आराम से सो गया। और जब इसका आँख खुला तो पता चला कि मुझे $3,00,000 डूबा था, वो भी ख्वाब में डूबा था। क्या करता, खुदकुशी करता? अबे कर लेता तो आज गरीबों की छाती पर चढ़कर गाली नहीं दे रहा होता। हमारे यूनिवर्सिटी के लौंडे छाती चौड़ी कर पैसे कमा सकते थे। आधा से ज्यादा लौंडे तो तेरी इस गाली के वजह से डिप्रेशन पर हैं। मैं तो बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तब तुम बहुत सारा पैसा बनोगे। लोग पैसे कैसे कमाए, क्योंकि आधा से ज्यादा लोग तो तेरी इस गालियों के वजह से डिप्रेशन पर गए हुए हैं। और हाँ, मुफ्ती साहब के साथ साथ हमारे नादिर भाई ने भी इस जाहिद अनवर की कुछ पोल खोली है। चलो चलो चलो, तो कुछ मुझे मेरे कुलीग्स ने बताया कि वो बंदा है नहीं इतना जितना वो अपने आप को दिखा रहा है, ना एक वो करेक्टर कर रहा है कि भाई वो मैं इतना मालदार हूँ, है नहीं ऐसा। ये तो वही बात हो गई कि बंदा गांव घर में ढिंडोड़ा पीटे कि मेरे घर में टैंकी है, पर कलीग से पता चले कि सिर्फ टैंकी है, टैंकी के अंदर पानी नहीं। अगर वो है भी तो भाई तेरा पैसा है, तू जाने दूसरे को क्यों डिस्टर्ब कर। बात तो सही है। यार इसी टैंकी और इसी जाहिल अनवर के साथ आज की हमारी जो वीडियो है वो इधर ही खत्म होती है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मस्ती थी, मजाक थी और इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई थी। तो इस वीडियो से किसी को भी हेट देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और कमेंट में बताओ भी कि अगला रोस्ट हम किसे करें, और इस वीडियो को शेयर भी करो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वो जो गिरे वाला बटन है उस पर इस जाहिद अनवर को फेंक कर मारो, या इसके इन पैसों को, मुझे नहीं पता। ओ मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे जाना है पैसे कमाने, वो भी मेहनत मजदूरी करके। अभी जैनो जल्दी से वो साइकिल जो दुलवाने के लिए आई है वो निकाल। अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम।